एक गारंटी माने जाना लगा है। साथियों, आज जब मैं चुरू आया हूं तो कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। इससे पहले मैं जब 26 फरवरी 2019 में चुरू आया था तो उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। हमने आतंकियों को सबक सिखाया था और तब मैंने जो शब्द कहे थे, चुरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, मैं आज फिर एक बार इस वीरों की धरती पर आया हूं तो मेरे उन भावों को दोहराता हूं। तब मैंने कहा था, यही चुरू में कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। लेकिन साथियों, आपको याद होगा, हमारी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे। इसी गमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। भाइयों और बहनों, सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक इंडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। दुश्मन हमला करके चला जाता था, ये जवानों को जवाब देने की इजाजत नहीं देते थे। हमारे जवान वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे, कांग्रेस ने इसे भी पूरा नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो हमने सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का अधिकार भी दिया और सीमा पर पलटवार करने की छूट भी, खुली छूट दे दी। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है, ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। साथियों, देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये देश ने देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा था कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ।
पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। साथियों, दो देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। भाइयों बहनों, हमारा देश, हमारी आस्था, इनका इतना घोर अपमान ये देश सह नहीं सकता है। लेकिन भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखो, आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा इस समय घमंड या गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में, बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा, और केवल कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है। और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। 10 साल में अकेले ईडी ने भ्रष्टाचारियों से 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। और मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे लोगों ने जिंदगी जेल में बितानी चाहिए कि नहीं बितानी चाहिए? मैं इन भ्रष्टाचारी परिवारवादियों से कहना चाहता हूं, कितने भी झूठ फैला लो, ये मोदी डरने वाला नहीं है। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन का सिर्फ अपना हित, यही उनका कार्यक्रम है। इन्हें गरीब, दलित, शोषित, वंचित के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब आम्बेडकर का सम्मान नहीं किया। इसी कांग्रेस ने बाबा साहब को दशकों तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया,
इन लोगों ने देश में आपातकाल लगाया, संविधान को बंधक बनाया। इस इंडियन लाइन्स के लोगों ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। दशकों पुरानी ये मांग मोदी ने पूरी की। भाजपा ने देश को दलित राष्ट्रपति दिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी। लेकिन इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गठबंधन वालों ने पूरी ताकत लगा दी। अब 19 अप्रैल को शोषितों वंचितों के ऐसे विरोधियों के साथ क्या करना है आपको पता है ना? 19 अप्रैल को क्या करना है पता है ना? पता है ना? अपने